हेलो दोस्तों, पूरा निफ्टी अगर ले लेते हैं या पूरा मार्केट ले लेते हैं तो दोस्तों तकरीबन अराउंड 35% के आसपास गिर चुका है मार्केट। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक है दोस्तों जिसमें 5% की भी गिरावट नहीं हुई है, केवल 5% की भी गिरावट नहीं हुई, कुछ ऐसे भी स्टॉक है। तो वैसे स्टॉक मैं आपके सामने ला कर रखना चाहता हूँ ताकि आप भी खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो दोस्तों आज के डेट में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी बहुत स्पीड से गिरा है और निफ्टी भी दोस्तों 1100 पॉइंट गिर चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कौन से ऐसे स्टॉक है दोस्तों? तो सबसे पहला स्टॉक मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दोस्तों IPCLAB, ठीक है दोस्तों, आईपीसी लैब, ये देख सकते हैं लेबोरेटरी है, ठीक है। और ये स्टॉक का अगर मैं हाई देखिए आज के डेट में दोस्तों कितना गिरा है, निफ्टी मान लीजिए 3600 के आसपास में गिरा, ठीक है, 3600 मतलब कि ये बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक में कितना गिरावट हुआ है, 0.55%, ये भी कोई परसेंट है दोस्तों, 1% की भी गिरावट नहीं हुई। और बाकी सब स्टॉक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लो दोस्तों 19%, 15%, 13%, मतलब कि रिलायंस जैसे कंपनियों को हिला दिया, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक में 6% की अपर सर्किट है और ये स्टॉक जो है दोस्तों 52 वीक हाई में है, दोस्तों ये जो स्टॉक है ये 52 वीक हाई में। तो सोचिए ये दोनों स्टॉक में ऐसा क्या हुआ जो अपने 52 वीक हाई पे भी चल रहे हैं और इनको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक हम दोस्तों लेबोरेटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक क्यों नहीं टूटा है उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए जितने भी दोस्तों कोरोना वायरस फैल रहा है तो दोस्तों जितना हमारे सरकार हैं, जितने हमारी गवर्नमेंट है, वो सभी लोग फोकस कर रहे हैं दोस्तों लेबोरेटरी पे और जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन है वैसे कंपनी पे फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निचोड़ निकाला जाए। जितने भी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है सबको दोस्तों जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, सब लोगों को बताया जा रहा है कि मतलब कि जितने भी लेबोरेटरी हैं वो सब मिलके काम करें और उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। उस वजह से दोस्तों ये स्टॉक में देख सकते हैं गिरावट में भी इतनी बड़ी तेज़ी है दोस्तों। ये 1600 का हाइएस्ट मारा था, आज के डेट में 1358 रुपीज़ है, ठीक है दोस्तों, 1358 रुपीज़ अगर हम देखें तो ज़्यादातर गिरावट नहीं हुई है दोस्तों, 200 या 300 की गिरावट हुई है, 200 या 300 के आसपास कुछ भी गिरावट, मतलब ये ना के बराबर है अगर इसको हम गिरावट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको गिरावट बोलते हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए मार्केट के साथ अपना दम तोड़ दिया। ऐसे ही अगर गिरावट होते रहा तो दोस्तों मतलब स्टॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कब मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको हम गिरावट कहते हैं तो ये जो दोस्तों 29% की गिरावट है, 29% की गिरावट है, यहाँ पर 28% की गिरावट है, 27% की गिरावट है, 25% की गिरावट है, ये मार्केट गिर रहा था दोस्तों इतने हेवी प्रेशर के साथ ये सब गिर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों ये स्टॉक को आपको ज़रूर फोकस में रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है, लेबोरेटरी को। ये आपको हो सकता है कि जब देखिए जब दोस्तों मार्केट गिर रहा है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब दोस्तों निफ्टी में तेज़ी आना स्टार्ट होगा तो ये हो सकता है कि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक पर आपको फोकस रखना ही चाहिए। और दूसरी जो कंपनी है वो है बाबा फूड। वाह, बाबा का फूड आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ मार्केट में, ठीक है। ये है दोस्तों बाबा फूड और बाबा का फूड यहाँ पर देख लो, मतलब इतना ज़्यादा चल रहा है कि नुकसान होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज के डेट में भी दोस्तों ये 52 वीक हाई में चल रहा है दोस्तों, हाई में चल रहा है ये कंपनी। 70 रुपीज़ और 6% की अपर सर्किट भी लगाई है भाई साहब ने। तो देखो इसमें इतना बड़ा और इतना अच्छा रैली देखा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कंपनी नई है, प्रोडक्ट बेस्ड बहुत अच्छा है और इस कंपनी का काम काज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये कंपनी इंगेज है राइस बनाने में, वैरायटी ऑफ राइस, ज्यादातर बासमती राइस, मतलब जितना लग्जूरियस है, ठीक है, जितने महंगे महंगे प्रोडक्ट है वो सब ये बना देता है, वो भी वैरायटीज ऑफ राइस। तो देखिए किसी भी इंसान, चाहे छोटा हो, गरीब हो, या कितना भी मतलब मान लेते हैं वॉरेन बफेट, अंबानी, बिल गेट्स, चाहे जितने भी बड़े, छोटे से बड़े को मैंने काउंट किया, ठीक है, जो गरीब है वहाँ से, ठीक है, उनको एक बेसिक नीड्स होती ही होती है, क्या है दोस्तों, वो है राइस, तो इस कंपनी ने उस बेसिक नीड्स को क्या किया, फोकस किया और गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अपर सर्किट लगाया है, 1% की गिरावट नहीं है। आप चार्ट में चेक कर लो अगर चाहते हो तो, फिर
52 वीक हाई में ये कंपनी दौड़ रहा है भाई, 52 वीक हाई में, और ये कंपनी आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसका जो बेसिक नीड है, कोरोना चाहे जितना भी हो जाए लेकिन राइस खाना बंद नहीं करेंगे लोग, चाहे जो भी हो जाए वेराइटी ऑफ राइस, होटल में नहीं जाएंगे घर में ला के खाएंगे, क्योंकि जो हमारा टंग है दोस्तों वो कुछ भी करवा सकता है इंसान से खाने के लिए, ठीक है, कुछ भी करवा सकता है। तो होटल में जाना मना है, घर में पका के खाना मना नहीं है, तो ये कंपनी भी चलेगी भाई, चलेगी। तो ये दोस्तों मैंने दो कंपनी बताया, और एक कंपनी है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बोल रहा हूँ मार्केट में देखिए यही रेंज में रहा, और ऊपर थोड़ा भी गया नीचे गया, लेकिन दोस्तों यही रेंज में दौड़ रहा, मार्केट उसको गिरा नहीं पाया उस कंपनी को। उस कंपनी के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे स्टॉक में आप फोकस करो, ऐसे स्टॉक में आप पैसा लगाओ जिनमें आपको रिस्क कम और दोस्तों आपको जब प्रॉफिट मिले तो अच्छा मिले, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ये दोनों स्टॉक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको थोड़ा थोड़ा तो बेनिफिट या कुछ तो अंडरस्टैंड होते ही रहे।